दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सबमर्स्ड आर्क वेल्डिंग। आज हम जानेंगे सॉ वेल्डिंग क्या होती है और कैसे होती है, तो इसके मेन कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, जो सबमर्स्ड आर्क वेल्डिंग होती है, ये जो है कि फ्यूजन वेल्डिंग का ही एक प्रकार है। फ्यूजन वेल्डिंग में जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है, मेल्टिंग वेल्डिंग प्लेस लेती है बाई मेल्टिंग द मोल्टन वेल्ड मेटल। जब मोल्टन वेल्ड मेटल मेल्ट होता है तो उससे वेल्डिंग होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में बनता है। और जो ये आर्क होता है ये सफिशियंट होता है बेस मेटल, इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल को मेल्ट करने के लिए विद रिक्वायर्ड हीट, और वेल्डिंग हो जाती है। वेल्डिंग आर्क और जो वेल्ड पूल होता है SAW वेल्डिंग के अंदर, ये फ्लक्स में सबमर्ज्ड होता है, हम इसको देख नहीं सकते, इसीलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में हो सकती है। और जो ये जब हम इसे ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो बहुत सुटेबल होती है, और ये जो होती है हमको हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी देती है। तो दोस्तों, ये था जनरल आइडिया अबाउट द SAW वेल्डिंग प्रोसेस। अब हम आगे जानेंगे कि वेल्डिंग होती कैसे है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड रील होती है जो कि ड्राइव रोलर्स के थ्रू चलती है। इलेक्ट्रोड होता है और फ्लक्स हॉपर होता है, उससे फ्लक्स जो है वेल्ड पूल पे और इलेक्ट्रोड के बीच में आता है। और एक दूसरी होती है फ्लक्स रिकवरी ट्यूब, जिससे जो फ्लक्स आता है नीचे उसको वेल्डिंग होने के बाद सक करके ऊपर द्वारा फ्लक्स हॉपर में पहुंचा देते हैं। और नीचे वर्क पीस होता है, और हमारा जो फ्लक्स होता है ये ग्रेनुलर फ्लक्स होता है। तो एक जनरल आइडिया दिया गया है कि सॉ वेल्डिंग एक्चुअली होती कैसे है। तो आगे देखते हैं। सॉ प्रोसेस यूजेस हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क। इसमें क्या होता है, जो ये प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिक आर्क बनता है जो कि वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में बनता है, उसकी हीट का यूज करता है। इलेक्ट्रिक आर्क इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, और जो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में आर्क बनता है वो इस्टेब्लिश होता है। वेल्डिंग आर्क और मोल्टन फ्लक्स, जो कि हमारा ये फ्लक्स है, जब ये नीचे आता है और जब आर्क क्रिएट होता है तो कुछ फ्लक्स मेल्ट हो जाता है और ये वेल्ड पूल के ऊपर तैरने लगता है। और तो हमारा जो ये वेल्ड पूल होता है और ये आर्क होता है, ये इस फ्लक्स के अंदर सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। और हमको इसमें आर्क भी नहीं दिखाई देता, और हमारा वेल्डिंग पूल या मोल्टन पूल जो होता है वो भी दिखाई नहीं देता है। फ्लक्स जो होता है, क्या होता है, जब ये वेल्डिंग होती है और फ्लक्स मेल्ट होता है तो ये कंडक्टिव हो जाता है, और ये क्या करता है कि एक पाथ क्रिएट करता है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में, जिससे कि कंटिन्यूस आर्क बना रहता है। और जब ये फ्लक्स ठंडा होता है तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और ये वेल्ड पूल के ऊपर एक कवर बना देता है, लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि हमारी इसमें स्पैटर टेंडेंसी को अवॉइड करता है और आर्क जोन और वेल्ड पूल को जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन और गैसेस के कंटेमिनेशन से भी बचाता है। जब क्या होता है, ये हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स जो होता है, जब ये वेल्डिंग होती है तो ये मेल्ट होता है थोड़ा सा, और इसके ऊपर वेल्ड पूल के ऊपर एक लेयर बना देता है, तो जिससे कि हमारी आउटसाइड गैसेस वगैरह या कोई एयर, कोई कंटेमिनेशन वगैरह इसके अंदर नहीं जाते और हमारा वेल्ड पूल सेफ रहता है। स्पेटर क्या होता है दोस्तों, इसमें मतलब जो मोल्टन मटेरियल के ड्रॉपलेट होते हैं उसको स्पेटर बोलते हैं, और ये आर्क के आसपास जनरेट होते हैं, वेल्ड पूल के आसपास। जो स्पैटर होता है वो वेल्डिंग की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोल्टन फ्लक्स होता है ये लेयर फॉर्म कर देता है इसके ऊपर, और स्पैटर टेंडेंसी को अवॉइड कर देता है। तो इस तरह हमारी SAW प्रोसेस में स्पैटर नहीं आते हैं, स्पैटर टेंडेंसी अवॉइड हो जाती है। आगे दोस्तों, हम जानेंगे कि SAW वेल्डिंग के एडवांटेज क्या हैं। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है गुड वेल्डिंग क्वालिटी।
ऐसे डब्ल्यू से हमको बहुत अच्छी वेल्डिंग क्वालिटी मिलती है, स्मूथ वेल्डिंग क्वालिटी मिलती है, कहीं भी उसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, स्मूथ वेल्डिंग होती है। दूसरा हाई प्रोडक्टिविटी, इससे हम बहुत तेजी से और बहुत फास्ट वेल्डिंग कर सकते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से हो सकता है। नॉर्मली जो पीटीडब्ल्यू मशीन्स होती हैं और गेंट्री मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस की होती हैं, और जो मैनुअल सॉ वगैरह होती हैं वो जो है सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस की होती हैं। और इससे हाई डिपोजिशन रेट मिलता है, हम बहुत बड़ा फिलेट भी इससे बना सकते हैं और ज़्यादा लार्ज डाई का इलेक्ट्रोड यूज करके, और जो इसका पेनिट्रेशन होता है वो डीप एंड शैलो होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, सबमर्ज्ड होने की वजह से फ्यूम्स वगैरह हमको दिखाई नहीं देते हैं, और जो वेल्डिंग करते समय रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइट्स और स्पार्क्स वगैरह आते हैं वो भी हमको नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये फ्लक्स के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल इस पैटर्न नहीं पैदा होते हैं इसके वेल्डिंग में, और जो इसमें फ्लक्स यूज होता है वो रिड्यूसेबल होता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इस वेल्डिंग प्रोसेस के, सबमर्ज्ड वेल्डिंग प्रोसेस के। दोस्तों जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि इसका डिसएडवांटेज ये है, पोजीशन सबसे पहला, हम इसको ओनली ये जो सॉ प्रोसेस होता है ये दो पोजीशंस के लिए ओनली लिमिटेड होता है, इससे और किसी वेल्डिंग में पोजीशन में वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम इससे जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं फ्लैट वेल्डिंग में 1G में, और हॉरिजेंटल वेल्डिंग 1F कर सकते हैं अगर हम कोई टूल्स वगैरह का उपयोग करें तो हॉरिजेंटल वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें जो स्लैक रिमूवल होता है, इसमें स्लैक रिमूवल करना ही पड़ता है, ये डिजायरेबल होता है इसके अंदर। और तीसरा होता है कि लॉन्ग वेल्डिंग, जो ये प्रोसेस है ये ओनली लॉन्ग वेल्डिंग के लिए सुटेबल है, अगर हम छोटा वेल्ड इससे मारेंगे, स्मॉल स्मॉल वेल्ड मारेंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा सेटअप वगैरह करने के लिए। और चौथा है इससे फ्लक्स, जो कि फ्लक्स है वो हेल्थ के लिए रिस्की होता है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुली यूज करना चाहिए, फ्लक्स से बच के रहना चाहिए, आंखों में ना पड़ जाए और हेल्थ के लिए भी थोड़ा सही नहीं रहता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे, फिर भी सॉ वेल्डिंग प्रोसेस बहुत यूज हो रहा है, लगभग मैक्सिमम जो भी हमें जहाँ लंबी वेल्डिंग वगैरह करनी होती है, अप्रोच जहाँ पे सही हो 1G और 1F की, सॉ वेल्डिंग ही ज़्यादा प्रेफर होती है। आगे दोस्तों हम जानेंगे मेन पार्ट्स एंड कंपोनेंट क्या है समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के। तो जैसा कि हम फोटो में देख रहे हैं, इसमें एक वेल्डिंग हेड होता है, एक फ्लक्स हॉपर होता है या फ्लक्स डिलीवरी सिस्टम होता है, फ्लक्स रिकवरी यूनिट भी होती है, इसमें फ्लक्स यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रोड वायर फीड यूनिट होती है, इसमें इलेक्ट्रोड होता है और पावर सोर्स होता है। तो ये मेन कंपोनेंट है समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के, तो मैं इनके बारे में आगे डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले फ्लक्स हॉपर या फ्लक्स डिलीवरी सिस्टम, ये क्या करता है, ये समर्ज्ड आर्क मशीन के ऊपर लगा होता है, और ये जो होता है फ्लक्स की डिलीवरी करता है कंटिन्यूसली, जिससे कि जब वेल्डिंग हो रही होती है तो हमारा आर्क रहता है पूरी तरह फ्लक्स में डूबा हुआ रहता है। और ये क्या करता है कि फ्लक्स के डिपोजिशन को कंट्रोल भी करता है वेल्ड जॉइंट पर, जिससे ज़्यादा फ्लक्स ना चला जाए, ये काम फ्लक्स हॉपर का होता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फ्लक्स वेल्ड जॉइंट के ऊपर जाना चाहिए, तो वो ये जो होता है फ्लक्स हॉपर इसको कंट्रोल करता है। दूसरा होता है ग्रेनुलर फ्लक्स, फ्लक्स जिससे कि जो कि हमारे वेल्डिंग आर्क को कवर करता है, इसमें जो होता है ये सिलिका, लाइम, कैल्शियम फ्लोराइड, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीऑक्साइड वगैरह मिले हुए होते हैं, और ये फ्लक्स हॉपर से ग्रेविटी के थ्रू वेल्ड जोन पे गिरता है। और जब ये आर्क वेल्डिंग वेल्ड होता है समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, तो ये मेल्ट हो जाता है और कंडक्टिव हो जाता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में पाथ क्रिएट करता है, जिससे कि कंटिन्यूस आर्क जनरेट होता रहता है। और दूसरा, जब ये ठंडा हो जाता है फ्लक्स मेल्ट होने के बाद, तो वेल्ड पूल के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है सॉलिड, जो कि कूलिंग रेट को भी थोड़ा सा मोल्टन पूल के स्लो करती है और उसको आउटसाइड कंटेमिनेशन से बचाती है।
और अगर हम फ्लक्स को अच्छी तरह हैंडल कर लें ऐसे डब्ल्यू प्रोसेस में, मतलब सही से फ्लक्स उसके ऊपर आए और स्टक हो प्रॉपरली चलेगा, तो हमारी वेल्डिंग बहुत अच्छी होगी। आ गया दोस्तों इलेक्ट्रोड एंड वायर फीड यूनिट। जो इलेक्ट्रोड और वायर फीड यूनिट है, इसका काम है कि नॉन स्टॉप वायर को फीड करना वेल्डिंग जोन के ऊपर। और इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है वो कवर्ड होता है कॉपर से, कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड होता है जो कि रस्टिंग को अवॉइड करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर हम ऐसे ही इलेक्ट्रोड रखेंगे तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके रस्ट लग सकती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोड जो होता है वो कॉपर कोटेड होता है जो वो कि रस्टिंग की टेंडेंसी को अवॉइड करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिफरेंट साइज में और स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल होते हैं, जैसा कि हमारा वर्क पीस होता है, हमको वेल्डिंग करनी होती है। आ गया दोस्तों वेल्डिंग हेड। वेल्डिंग हेड का दोस्तों काम यह है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है और जो हमारी फ्लक्स की सप्लाई होती है, वो वेल्डिंग हेड की जिम्मेदारी होती है। ये दोनों पार्ट इसके साथ में होते हैं और ये जो है कंटिन्यूस जॉइंट की तरफ, वेल्डिंग जॉइंट की तरफ इसको फीड करता है, तो ये वेल्डिंग हेड का पार्ट होता है। आगे दोस्तों फ्लक्स रिकवरी यूनिट। जब हमारा फ्लक्स जो है वेल्ड जोन के ऊपर गिर जाता है, जॉइंट के ऊपर गिर जाता है, तो उसको एक फ्लक्स रिकवरी यूनिट होती है, ट्यूब होती है, उसकी वजह से हम दोबारा सक करके उसे फ्लक्स हॉपर में लेके जाते हैं, जिससे कि हम फ्लक्स को बराबर दोबारा रीयूज कर सकते हैं। और दोस्तों हमें चाहिए होता है एक पावर सोर्स जो कि हाई करंट और हाई ड्यूटी साइकिल का होता है, जो कि एसी और डीसी पावर सप्लाई के साथ काम कर सकता है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है पावर सोर्स की, वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, डायफ इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ फ्लक्स और इन चीज़ों के साथ में कॉम्बिनेशन होता है इसका, कि हमें क्या यूज करना है। और एसी और डीसी दोनों तरह के पावर सोर्सेस में काम कर सकते हैं। और ये चीज़ें वेल्डिंग पे हमारे इम्पेक्ट भी करती हैं। अगर हमारा पावर सोर्स सही नहीं रहेगा, सही से करंट वगैरह की सप्लाई नहीं करेगा, हमारी वेल्डिंग सही नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा समझदार वेल्डिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जानेंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि अभी हमने देखे क्या है समझदार वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों हम समझदार वेल्डिंग प्रोसेस को हम हाई करंट वेल्डिंग प्रोसेस कह सकते हैं, और जो है ये डीप पेनिट्रेशन ऑफर करता है, इसमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है हाई डिपोजिशन रेट भी ऑफर करता है, इसमें हाई डिपोजिशन रेट होता है वेल्डिंग का, और इसमें स्पैटर इस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इसमें जो वेल्ड पुल होता है वो सबमर्ज होता है फ्लक्स के अंदर। और जो क्योंकि हमारा वेल्ड पुल जो होता है वो सबमर्ज होता है, तो इसमें एयर एंट्रेटमेंट की चांसेस बहुत कम होती है आर्क जोन के अंदर। और लार्ज डाया का इलेक्ट्रोड भी इसके अंदर यूज किया जा सकता है, और हाई वेल्डिंग करंट एंड हाई वेल्डिंग स्पीड इससे अचीव की जा सकती है। जो वेल्डिंग है वो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों मोड में हो सकती है, और जो फ्लक्स होता है वो वेल्ड पूल की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जिससे कि बाहर गैसेस और कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन नहीं होता है। और जो सॉलिफाइड फ्लक्स कवरिंग स्लैब होता है वो हमारे वेल्ड मेटल के, वेल्ड पूल के कूलिंग रेट को भी स्लो डाउन करता है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो कि इस समझ और वेल्डिंग प्रोसेस के हैं। दोस्तों आगे डिड यू नो, हमारा जो नया सेगमेंट है इसके अंदर, वेल्डिंग इज वेरी ओल्ड प्रोसेस, लगभग 2000 BC से पहले की ये वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें क्या है दोस्तों कि जो हमने बहुत पहले का डाटा रिकॉर्ड किया है वो ब्रॉन्ज एज के आसपास का, यहाँ पे क्या हुआ था जब हम आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको खुदाई वगैरह करी थी, तब उन्हें एक स्मॉल सर्कुलर गोल्ड सर्कुलर बॉक्स मिला था जो कि फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस से बनाया गया था। उसमें फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है दोस्तों, दो पीस ऑफ मेटल जो होते हैं उनको एक साथ रखते हैं और हैमरिंग करते हैं,
वो जब दोनों मिल जाते हैं आपस में तो वेल्डिंग हो जाती है। ये प्रोसेस हीट करके किया जाता है। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत साल पुराना प्रोसेस है। आगे दोस्तों कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।